हाय एवरीवन, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में शेल और सबशेल किस तरह से स्पॉट किया जाता है वो मैं आपको सिखाने वाली हूँ। एग्जांपल लेते हैं स्कैंडियम का विद एटॉमिक नंबर 21। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब क्या होता है, 4s पहले आ जाता है क्योंकि 4s की एनर्जी कम होती है एज़ कम्पेयर टू 3d, ठीक है, थ्रू n प्लस l रूल। तो 4s पहले फिल होता है, देन 3d में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में शेल और सबशेल किस तरह से पता चलती है, मेनली शेल कैसे पता चलता है। देखो जो ये कॉफिशेंट्स दिए हैं ना, ये 1, 2, 3, ये जो नंबर्स है ये क्या होते हैं, ये शेल नंबर होते हैं। दैट मीन्स ये कौन सी है, ये फर्स्ट शेल है। सेकेंड शेल में ये दो ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, ठीक है, ये दो, या फिर आप कह सकते हो दो सबशेल्स आ रही है, और थ्री में ये तीनों आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया, ये तीनों हो गए थर्ड शेल, ठीक है। यहाँ पर थर्ड शेल है, ये सेकंड शेल है, और ये वाली है फोर्थ शेल, ओके। तो यहाँ पर देखो सेकंड शेल में दो सबशेल है, और जो सबशेल होती है वो क्या होती है, सबशेल कहते हैं इन्हें, जो आप पढ़ते हो SPDF, जो ये आप पढ़ते हो इन्हें कहते हैं हम कि ये सबशेल हैं। तो सेकंड शेल में कौन कौन सी सबशेल्स है, दो सबशेल है, एक है एस एक है पी। फर्स्ट शेल में कितनी सबशेल आ रही है, ओनली 1 एस सबशेल, ठीक है। बेसिकली शेल के अंदर सबशेल होती है। और यहाँ पर देखो थर्ड शेल में कितनी सबशेल्स आ रही है, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर 3 सबशेल्स आ रही है SP और D, और ये होगी फोर्थ शेल। तो ये जो नंबर्स आपको दिखाई देते हैं कॉफिशेंट्स में, दिस 1 और ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और यहाँ पर अगेन 3 है, ये सारे शेल नंबर्स होते हैं, ठीक है, ठीके? कौन सी शेल का सबशेल है, और ये जो SPDF होते हैं ये सबशेल्स कहलाते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़, ये कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी।